बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से इस लेक्चर का आगाज करते हैं। पेज नंबर है 194। आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -85। हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 5, 2, -1 एंड सो ऑन, और इसकी कौन सी टर्म जो है वो -85 है, ये हमने ढूंढना है कि -85 कौन सी टर्म है, कौन सी नंबर ऑफ किस कौन से नंबर पे मौजूद है, तो एन हमने फाइंड आउट करना है। एन फाइंड आउट करने के लिए हमें वही सारी चीजें, वही वाला फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करना है, और उस फार्मूले के लिए आप जानते हैं ये हमारे पास जो है वो सीक्वेंस है, और -85 जो है ना वो nth टर्म है, होगी वहां पे nth टर्म। अब nth टर्म अगर -85 है तो फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, फिर सेकंड टर्म क्या है, 2 है, तो सेकंड टर्म लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हम डी के लिए लिखेंगे। तो डी कैसे और फाइंड आउट होगा, 2 -5 जो कि -3 आएगा, और अगर -1 -2 करेंगे तो भी -3 ही आएगा। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला है ना, nth टर्म वाला, वो लगाने के लिए यूज करते हैं। अब हम वो फॉर्मूला लगाते हैं। हमें बताया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो गिवन है हमारे पास, उसके लिए nth टर्म जो होती है वो इसके इक्वल होती है, a1 + n-1 d। एन है -85, a1 5 है, n-1 हम एज इट इज लिख देंगे, और d हमारे पास -3 है। 5 + -3n से मल्टीप्लाई होगा तो -3n आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा तो +3 आ जाएगा, एंड इधर -85। नेक्स्ट हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं इस पूरी स्टेटमेंट में सिर्फ एन वेरिएबल रह गया, बाकी सारी जो है ना वो क्या आ गई हैं, कांस्टेंट्स आ गए हैं। तो 5 और 3 8, उसको इधर ले आएंगे, -85 -8 इधर आके -8 हो जाएगा, -3n, और हमारे पास एन हमारे पास आ जाएगा, -3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -85 एंड -8 -93, और इसको डिवाइड करने से हमारे पास मिलेगा हमें 3 3 9 एंड 3 1 3, n=31। तो फिर हमने देखा कि जो -85 है ना, या हेंस -85 इज द 31st टर्म ऑफ गिवन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने nth टर्म जो है वो फाइंड आउट, हमने देखा कि -85 कौन सी टर्म है, 31st टर्म, इस तरह से ये फाइंड आउट होगा।
अल्टीमेटली देखने की चीज क्या है कि एन जो फार्मूला है उसमें कितने वेरिएबल्स हैं, उसमें एक एन है वेरिएबल और एक एन है और एक डी है। ए वन तो आपको मौजूद गिवन होगा, इन केस के आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास एन टर्म है तो फिर ए वन गिवन नहीं होगा, उसके लिए फिर ये वाला फार्मूला भी गिवन नहीं, मतलब यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन सिमिलर है। ये आपने खुद करना है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है और क्वेश्चन नंबर नाइन आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर एट में क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एट कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच फर्स्ट टर्म जो है वो 11 है, एंथ टर्म 68 है और डी हमें 3 दिया गया है। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। दोबारा से हमें यहाँ पे एन ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन और जो दूसरा एट क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस क्या है। बेसिकली उनमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन में जो अभी आपने क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, ऐसे ही है। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है लेकिन उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिया गया, बल्कि हमें दो चीजें दी गई हैं। कौन कौन सी? एक डी दिया गया है, फर्स्ट टर्म दी गई है और एंथ टर्म दी गई। तो बात तो वही है, हमें तो यही जरूरत पेश आनी है ना एन फाइंड आउट करने के लिए। इस फार्मूले में हमें ये तीन चीजें ही यूज करना पड़ी है, एंथ टर्म है, फर्स्ट टर्म है और डी है। तो एन हमने फाइंड आउट कर लिए, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर एट भी सिमिलर है। ये भी आपने खुद करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की जानिब। क्वेश्चन नाइन की स्टेटमेंट लिखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है इफ द एंथ टर्म ऑफ द एपी इज 3n-1। एंथ टर्म क्या है? ए एन लिखते हैं इसको, 3n-1 देन फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब पूछ लिया गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करो। तो चले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते हैं, अगर एंथ टर्म हो तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अरिथमेटिक हम यहाँ पे जानते हैं ना एन जो होता है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो पहले सबसे एन इक्वल टू वन पुट करेंगे। ए फर्स्ट आ जाएगा, 3 × 1-1 ए वन हमारे पास आ गया 2। एन इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, ए 2 आ जाएगा, 3 × 2-1 विच इज इक्वल्स टू 6-1 जो कि 5 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया एन इक्वल्स टू 3, ए 3 आ जाएगा, 3 × 3-1, 3 × 3 = 9-1, 8, ए 4, एन इक्वल टू 4 पुट करने से आएगा, 3 × 4-1 विच इज इक्वल टू 12-1 = 11। तो यही मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हेंस रिक्वायर्ड
एपी इज 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो आपने देखा यहाँ पे भी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे है, इसलिए क्योंकि 2 ऐड करने से आ रहा है 3, 8 ऐड करने से आ रहा है 8 में, 5 में 3 ऐड करने से आ रहा है 8, 8 में 3 ऐड करने से आ रहा है 11। तो ये सारे जो है ना वो जो डिफरेंस है इनका कॉमन डिफरेंस ये सेम है, तो ये डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसे फाइंड आउट किया, बहुत सिंपल तरीका है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 हमने करने हैं, ये दो क्वेश्चंस मजीद स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट पढ़िए, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म फाइंड आउट करो मतलब ए एन हमने फाइंड आउट करना है और सीक्वेंस हमें गिवन है 4/3 स्क्वायर, 7/3 स्क्वायर ये सेकंड टर्म है, इस तरह से थर्ड टर्म है 10/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। जी विच इज द गिवन एपी, हमें अगर इस एपी के अकॉर्डिंग nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो ये स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि इसमें ये 3 चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर चेंज क्या हो रहा है इसमें, चेंज सिर्फ 4, 7 और 10 हो रहा है, ठीक है। तो 4, 7 और 10 अगर चेंज हो रहा है तो हमें 4, 7 और 10 जो है उनके अरिथमेटिक प्रोग उनका जो है ना वो क्या कहते हैं nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वी फर्स्ट फाइंड यहाँ पे लिखेंगे nth टर्म ऑफ 4, 7, 8 जो होगी नेक्स्ट 10 आ रहा है एंड सो ऑन। हम जब इनकी एन टर्म फाइंड कर लेंगे तब जो है ना वो हमारे पास जो है वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एन टर्म आ जाएगी। अब nth टर्म से क्या मुराद है, nth टर्म से मुराद जनरल टर्म है, ऐसी टर्म जिसमें तमाम n की हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ये वाली वैल्यूज आती जाएंगी, ये वाली, ठीक है। हमने वो nth टर्म फाइंड आउट करनी है, अदरवाइज ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट है तो इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। इसलिए इसकी nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, हमें डी चाहिए, तो 7-4 या 10-7 3 आएगा। एन जो है वो डेफिनेटली एन ही है, nth टर्म है ना, हमें 31st टर्म नहीं फाइंड आउट करने के लिए कहा, 40th टर्म फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा, हमें nth करने के लिए कहा है। तो एन से मुराद यहाँ पे ए जो है ना वो एन ही है, हमने ए एन फाइंड आउट करना है। Using ये फार्मूला में आता है n is equals to a1 plus n minus 1 d। तो a1 क्या है 4, d क्या है 3, तो यही हमारी nth टर्म होगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3n minus 3, तो 4 minus 3 equals to 1 प्लस 3n या 3n प्लस 1, तो हमारे पास आ गया an इज इक्वल्स टू 3n प्लस 1। नो ये nth टर्म जो है वो इस सीक्वेंस की है 4, 7, 10 की,
अब हमने फाइंड आउट करनी है इस सीक्वेंस की टर्म, ठीक है। तो यहां पे 4, 7, 10 स्क्वायर के अंदर से उठाया था ना, इसलिए हम कहेंगे हेंस nth टर्म ऑफ जो ये वाला सीक्वेंस है, इसको गिवन सीक्वेंस कह लेते हैं, इज, तो वो हमारे पास है 3n+1/3 का स्क्वायर। उम्मीद है आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हमने कैसे फाइंड आउट की है। क्योंकि हमने इसमें से उठाया है, इसमें से 4 उठा लिया, इसमें से 7 उठा लिया, इसमें से 10 उठा लिया, तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया और इसकी हमने nth टर्म फाइंड आउट कर ली। अब जब nth टर्म उसकी सीक्वेंस की फाइंड आउट की है, क्योंकि उस सीक्वेंस में चेंज ही 4, 7 और 10 जो है ना वो न्यूमिनेटर हो रहा है चेंज, इसलिए हमने इसकी जगह पे इस 4, 7, 10 की जगह पे 3n+1 पुट किया, और नीचे वाली टर्म जो 3 है वो तो चेंज हो ही नहीं रही, तो उसको एज इट इज रहने दिया और उसका स्क्वायर लेके हमारे पास क्या आ गई, nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ना वो प्रोसेस था, मेथड था, आपने इसको देख लेना। हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है कि हमारे पास ये कुछ एपी की टर्म्स है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, शो दैट बी हमारे पास इसके इक्वल है 2ac/a+c। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। स्टेटमेंट मैं लिखता हूं यहां पे, इफ 1/a, 1/b and 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब है कि ये तीन टर्म्स हैं और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब कि b इस सेकंड टर्म में से इसको निकाले तो जो आंसर आएगा वही इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आएगा। बात की समझ आ गई ये स्टेटमेंट की कि आर इन ap। नेक्स्ट है शो दैट शो करना है हमने कि बी हमारे पास ये जो बी है ना ये क्या है, ये इक्वल है 2ac/a+c इसके इक्वल है, तो ठीक है हम शो करते हैं। हमें अभी मैंने इस बात को यूज भी कर दिया जो हमने ऊपर यूज करनी है ना, अभी हमने इस बी को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड यूज करना है वो मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ, बोल चुका हूँ, ठीक है। वो क्या था, मैंने कहा कि अगर हमें गिवन हो कि ये तीन टर्म जो है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, यही बात मैं अभी लिखूंगा जो मैंने बोली थी ना वो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। सिंस 1/a, 1/b and 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स है, इसलिए जब मैं 1/b-1/a करूंगा और 1/c-1/b करूंगा तो ये दोनों बराबर होंगी। क्लियर हो गया ना, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सिमिलर है, इसलिए अब मैंने यहां से b फाइंड आउट करना है, तो मेरा b फाइंड आउट करना जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। मैंने बी वाली टर्म्स को सेपरेट कर लिया और जो बाकी टर्म्स थी ना इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया। इनके साइंस जो है वो क्योंकि दोनों के नेगेटिव थे इधर दूसरी तरफ जाके, इनके साइंस जो है वो पॉजिटिव हो गए, और अब इनका मैं ले लेता हूँ इस तरफ से, दोनों तरफ से एलसीएम,
इस तरफ एलसीएम आएगा ए सी, तो यहाँ पे ए प्लस सी बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा बी और ऊपर आएगा टू। क्लियर जी? तो हम समझे सॉल्यूशन की जानब बिल्कुल जो है वो पहुंच चुके हैं। अब यहां से अगर आप एक स्टेप मजीद कर लें कि टू ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कर लें इधर आके, ये क्या हो जाएगा डिवाइड टू ए सी, तो यहां पे तो ए प्लस सी ही रहेगा, ठीक है। अब बी फाइंड आउट करना है, तो वन ओवर बी है हमारे पास, तो बी हमारे पास आ जाएगा टू ए सी ओवर ए प्लस सी। कैसे बी आया हमारे पास? ये इन दोनों जो है ना वो साइड्स को उल्टा लिया, ठीक है। वन ओवर बी था बी किया, ए प्लस सी था जो है न्यूमिरेटर में या डिनोमिनेटर में आ गया, और टू ए सी न्यूमिरेटर में चला गया। तो इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह से ये आपका जो है ना वो क्वेश्चन 13 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हुई। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज और उससे बिफोर टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।